dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 257 and the topic under discussion is check that you are in the right field by this expression we mean to say that you should be in the right career you should be in the right field of work you should be having defined pers perspectives in which you have to operate so that your thinking processes can be in accordance with the decisions and the situations you are exposed to. This particular perspective mein, hum discussion, step aage there are again some common sense guidelines. On common sense guidelines, mein, there is a very famous quote, and it says that perfection will always elude you, but excellence is a possibility. Remember that no one is perfect. Har kisi mein chance of improvement? Wo

कि अगर हम अपने आप को अज्यूम कर लेंगे वी आर द परफेक्ट पर्सन तो अब हम कोशिश करनी छोड़ देंगे अपने आप को फर्दर इंप्रूव करने की चांस ऑफ चेंज तो उस वक्त फिर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी क्रिएट होगी कि वी आर बेटर एबल टू कोप स्ट्रेस द स्ट्रेन एंड द चैलेंजेस अराउंड द वर्ल्ड रिमेंबर वन थिंग अब हम कर ये सकते हैं कि अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेकर जाए हम अपने आप की हम अपनी एक्सपर्टीज को वो पहचाने अपनी एंड प्रोफेशनसी को वो अंडरस्टैंड करें उससे हम बेटर कोप कर सकेंगे विद द प्रेशर्स एंड टेंशन अराउंड अस एंड वी विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन रिक्वायरमेंट्स नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन सेंस गाइडलाइंस देर आर सर्टन वी हैव टू कीप इन आवर माइंड और वो ये है कि हमारे पास कुछ ट्रांसफरेबल एस्पेक्ट्स मौजूद हैं देर आर सर्टन स्किल्स विच वी कैन एक्चुअली इंपार्ट इन आर सेल्फ और हमें कोशिश ये करनी है कि जितने भी ट्रांसफरेबल स्किल्स जहां पर हमें अपनी कमी फील हो उसको हम फिलअप करने की कोशिश वो करें बाजुकात कुछ स्किल्स हमारे पास जेनेरिकली मौजूद होती हैं हमारे सर्कमस्टांसिस हमारी इन्वामेंट हमारा कल्चर वो स्किल्स हमें प्रोवाइड करता है एंड थ्रू थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट वी हैव हैव टू टू वी है

हर शख्स के अप्रिंगिंग्स हर शख्स की लाइफ के इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स हर शख्स का नॉलेज एक्सपीरियंस एक्सपोजर एजुकेशन इट माइट बी डिफरेंट सो अब हमें यह देखना होगा कि वो कौन से कैरियर्स हैं वो कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं सो so दैट हम अपनी तमाम काबिलियतों को वहां पर ब्रुए कार लाएं और हम ये देख पाए कि हमारी क्रिएटिविटी से हमारे इनोवेटिव आइडियाज से कौन से नोवेल डिसीजन वो लिए जा सकते हैं जिससे कि हमारा आउटकम मल्टीप्लाइड मल्टीफोल्ड और ऑप्टिमाइज़ वो हो सके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि कैरियर काउंसलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किन किन कैरियर के साथ हमारी मुताबकत है ताकि हम वहां पर बेहतर डिसीजन करके ऑर्गेनाइजेशन को और ओवरऑल स्टेक होल्डर्स को फायदा पहुंचा सकें थैंक यू